इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द डिजाइन फिगर. दिस इज ए सर्कुलर टेबल. Okay, and this is a equilateral triangle. This is a equilateral triangle, and this is ABC, and this is design. This is design like this. Okay, clear? Now we will find the area of design. We will find the area of design. Radius of this circular table is 32 centimeter. Radius is 32 centimeter. Okay, तो सबसे पहले देखना है बेटा कि हम इस डिजाइन का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं. How we can find the area of this design? How we can find the area of this design? अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल के सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल निकाल के इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, ओके, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा एरिया आ जाएगा. तो एरिया ऑफ सर्कल तो बहुत आसानी से मैं फाइंड कर सकता हूं बिकॉज मेरे पास रेडियस है. बट हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, क्वेश्चन इज दिस, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. बताओ कैसे फाइंड कर सकते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, उस ट्राइंगल की साइड होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम उस ट्राइंगल, इस जो ट्राइंगल गिवन है एबीसी, इसकी साइड कैसे फाइंड की जाए ये सोचेंगे. ओके जी भाई, रेडियस इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ट्राइंगल एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो अब देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ओ है, यहां से ये कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन आपको बताया सर्कल में मैंने पढ़ाया, अगर सेंटर से मैं राइट एंगल, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊं, अगर सेंटर से मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊं तो क्या होगा बताओ. जो ये लाइन है वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. मतलब अगर मैंने ये जो लाइन है ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. ओके, तो मैं यहां से लेके इसको मान लेता हूं डी, तो इसकी वैल्यू मैं एक्स मान लेता हूं यहां से लेके यहां. ये एक्स तो ये कितना होगा, एक्स ही होगा ना. ओके, तो ओडी बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया ओडी, और ओडी ने उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस पूरे बीसी को, ये भी एक्स और ये भी एक्स. क्लियर है, मैं यहां पे लिख लेता हूं लेट बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू एक्स. ये डी है, ये पॉइंट क्या है डी. ठीक है, अब सुनिए, अब ये पूरा एंगल कितने का था, 60 डिग्री का. ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का. 30 का क्यों होगा भाई, ये एंगल 30 डिग्री का क्यों होगा, पहले तो आपको ये सोचना है ये एंगल 30 डिग्री का क्यों होगा. देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ये आप काम अपने आप करोगे. अगर मैं इसमें इससे मिलाऊं, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल, या ये आप ये ले लीजिए, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये इसको बीच में से कट करेगा इसको. तो ये पूरा एंगल 30 है ना, तो ये इसको यहां से पूरा कट करेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा. इज दैट क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको.
ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। ओके, अब ये देखिए, ये 30 का पता लग गया ना, कैसे होगा 30 का पता लग गया ना आपको, ये कैसे होगा मैंने बताया। देखो एक तरीका और समझ लीजिए, देखो भाई ये एंगल 60 डिग्री का है और 9 का आपने थ्योरम पढ़ी थी, तो ये पूरा कितने का हो गया, ये पूरा 120 का हो जाएगा ना, ये पूरा एंगल सेंटर पे बना एंगल दुगना होता है, पूरा 120 का, और ये इसको बाईसेक्ट करेगी क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो ये 60 का, ये 90, डेफिनेटली ये 30 ही होगा, डेफिनेटली ये 30 होगा, ये मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। अब मैं इस ट्राइंगल पे यूज कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल BDO, इन ट्राइंगल BDO साइन यूज कर लेता हूँ, साइन या टेन यूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ये फाइंड करना है ना मुझे, ये इसके लिए मुझे ये तो गिवन है 32, ये मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या यूज करूं जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आता है, जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आता है, बताओ क्या होता है वो, जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आता है कॉस होता है ना, ठीक है, तो कॉस यूज करते हैं, ट्राइंगल BDO cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा मतलब cos 30 इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी x, हाइपोटेनियस कितना 32, क्योंकि ये 32 गिवन है, cos 30 की वैल्यू होती है कितनी, cos 30 की वैल्यू √3/2 अपॉन √3/2 इक्वल टू 30, x अपॉन 32 इससे कैंसिल, 60 ये इधर चला जाएगा, तो x ये हो जाएगा 16√3, x की वैल्यू आ गई 16√3, अगर x की वैल्यू 16√3 आ गई, इफ x वैल्यू इज 16√3 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कंप्लीट BC, BC की वैल्यू आ जाएगी, मतलब दिस इज द साइड ऑफ BC, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ट्वाइस आ जाएगा 2 × 16√3, तो ये आ जाएगा 32√3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं बेटा 32√3 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 32 × 32 और √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, 4 से कैंसिल करेंगे 4 × 8 = 32, अब ये कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 24 + 1 = 25 into 3 भी करेंगे ना, into 3 √3। अब देखिए एक बार 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 6 = 18, 1 × 3 = 15, 1 × 16 = 16, 1 × 3 = 6 and 1 = 7, 768√3 cm². This is the area of equilateral triangle. This is the area of equilateral triangle. 768√3 cm². कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। पूछिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल कैसे है बता रहा हूं बेटा। यहां से ये मैंने बताया ना, ये एंगल 60
60 डिग्री का है तो सेंटर पे बना हुआ एंगल कितने का हो जाएगा 120 का, 120 का ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपको पता है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आधा एंगल 60 का, ये 90 का, तो ये 30 का ही तो होगा। तो फिर मैंने इसमें कॉस लगाया, कॉस कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू आ गई 16√3, x की वैल्यू 16√3 आ गई, तो ये भी 16√3, तो टोटल जो साइड हो जाएगी वो 32√3 हो जाएगी। ओके नाउ एरिया ऑफ यहां से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी 32×32। अब क्या करोगे आप इसकी मल्टीप्लाई करके, सिंपल सी बात है एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ से आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने यहाँ पे 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करके निकाला है, तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इज दैट क्लियर, तो यू कैन डू बेटर। ओके राइट इट नाउ।